इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि बीटेक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंडिया में स्कोप है भी कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं, हल्का सा मैं ये बस टच कर लूं कि मैकेट्रॉनिक्स एक कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल का, कि कोई चीज़ जो आप मैकेनिकली मूव कर सकती है साइकिल, फिर हम उसमें डाल दें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स तो बन गई वो थोड़ा सा जैसे कि इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल होती है एक इलेक्ट्रिक वाली, और हम थोड़ा सा उसमें डाल दें कंप्यूटर्स, तो ये तीनों चीज़ें मिलके ऐसी एक जो हम रिमोट से भी चला सकें बाइक, तो ये कुछ हो गया मैकेट्रॉनिक्स। तो आप इसे रोबोटिक्स से भी समझ सकते हो कि मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, फिर हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक डाल दिया और हमने फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ली। जो मैकेट्रॉनिक्स है सुनने में बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, बहुत एडवांस्ड है, कई लोग इसको देते हैं, लेकिन जो हमारे पास मार्केट है वो इस डिग्री को लिए अभी तैयार नहीं है, बहुत एक्सेप्टेबिलिटी इस डिग्री की नहीं है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है रोबोटिक्स जैसी चीज़ में, या जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ऑटोमेशन जैसी चीज़ में कि ऑटोमेटिकली काम हो, या फिर आपको जो वॉर्स हो रहे हैं इसमें जो रोबोटिक वॉर्स है इसमें इंटरेस्ट है, तो आप बीटेक ईसी करके भी पहुंच सकते हो या बीटेक मैकेनिकल करके भी पहुंच सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत एडवांस रोबोटिक्स में जाना है तो फिर आपको एमटेक करना ही पड़ेगा, और मान के चलिए कि एमएस आपको बाहर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अभी जो लोग बीटेक मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हैं और रोबोटिक्स फील्ड में जा रहे हैं, या बीटेक ईसी कर रहे हैं और रोबोटिक्स फील्ड में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर एजुकेशन के मार्केट में जा रहे हैं, और वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जूनियर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काम अभी जो मार्केट में है वो इस लेवल पर है, जो स्टडीज़ है वो उस लेवल पर है कि आजकल हर चीज़ ऑटोमेट बन रही है, और जो रिसर्च है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चल रही है। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, और आप जो पढ़ाई करोगे तो अगर आप केवल जॉब के लिए करोगे तो जॉब अभी इस लेवल पर है कि आपको हो सकता है अभी एजुकेशन फील्ड में जॉब मिले। अगर आप रिसर्च में जाओगे तो इस वक्त एआई के साथ ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, जिसके लिए आपको मास्टर्स और पीएचडी करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च में नहीं जाना चाहते लेकिन आप जॉब ही करना चाहते हो, तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा बाहर से, फिर आपको जो है मिलेगा उन तरह की कंपनीज में काम जहाँ पे ऑटोमेशन का काम होता है, वो मशीन्स बनाई जाती हैं। इंडिया में आपको जो सबसे फेमस कॉलेज मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री दे रहा है वो थापड़ है, थापड़ में भी कट ऑफ्स थोड़े लो ही रहते हैं। तो ये है बहुत अच्छी डिग्री पढ़ने के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल ड्रोन की ही अगर हम बात कर लें, तो ड्रोन भी एक मैकेट्रॉनिक्स का स्पेसिफिक चीज़ है, लेकिन इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर है। तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जा सकते हो इस फील्ड में, लेकिन फिर सर्टिफिकेशंस बहुत करने पड़ेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा मन है कि नहीं मैं बिल्कुल जाऊँगा तो मैकेट्रॉनिक्स में ही, तो आप फिर कमर कस लो, बीटेक मैकेट्रॉनिक्स से करो, सही से माइक्रोप्रोसेसर सेंसर समझो, फिर आप मास्टर्स इसमें करो और फिर पीएचडी करो, फिर आप जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे इस तरह की मशीन्स ये बना पाओगे। लेकिन अगर आप केवल अभी कर पाओगे तो आपको अभी जो दिख रहा है आप इस तरह का काम कर पाओगे जो इंडियन मार्केट में करेंटली हो रहा है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ जॉब्स हैं, तो इंडियन मार्केट अभी थोड़ा लोअर लेवल ऑफ जॉब्स पे है, रिसर्च थोड़ी ऊपर है, जापान वगैरह में ज़्यादा रिसर्च है, US में कंपनीज और ऊपर हैं जो, और जर्मनी में और ऊपर हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे रिसर्च हो रही है और किस लेवल पे जॉब मार्केट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ पेड काउंसलिंग, हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर कैरियर काउंसलिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स फॉर टेस्ट प्रेप कार्ड। अगर आप NRI स्टूडेंट हो मिडिल ईस्ट के, तो आप DASA की फ्री ईबुक डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। You can also enroll there by writing your number and we can call you and have a career counseling session. So this is your career counselor Sagar Anand. Thank you for watching.